स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कंट्रोल ए। अभी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से आपको टाइप करना है ए, आपको जो भी है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपके फाइल में जितना भी डाटा होगा उसमें से आपका टेक्स्ट फाइल होगा, इमेज फाइल होगा, वो सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। आप चाहे तो इसको कट कट भी कर सकते हैं और दूसरी फाइल पे पेस्ट कर सकते हैं और इसको कॉपी करके भी आप किसी और फाइल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेनिफिट कंट्रोल ए का। उसके बाद में चलते हैं कंट्रोल बी। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको बोल्ड करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल कीज़ के साथ ही बी दबाना है। तो आप देख सकते हैं ऐसा चेंज हो जाएगा। कंट्रोल बी दबाने के बाद वो जो भी आपने सिलेक्ट किया था, आइदर वो वर्ड होगा और पैराग्राफ होगा, वो सब कुछ बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड में चलते हैं कंट्रोल सी। आप कंट्रोल सी अगर दबाते हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉपी करना है उसको आपको सिंपली पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपको कंट्रोल सी दबाना है। कंट्रोल सी दबाने के बाद वो जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाएगा और आप चाहे तो किसी कहाँ जहाँ चाहें वहाँ पे कंट्रोल वी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करके आप किसी को जो भी आपने सिलेक्ट किया है, कॉपी किया है, उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी में आने के बाद आप उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको कंट्रोल ऑल करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको कंट्रोल डी दबाना है और कंट्रोल डी दबाने के बाद आपको यहाँ से, मैंने जैसे बताया था पहले, यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए उसको आपको सिलेक्ट करना है। कैलिब्री सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आता हूँ तो यहाँ से भी कैलिब्री सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट है वो कैलिब्री में चला गया है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो फॉन्ट है वो कैलिब्री में चला गया है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको टाइम्स न्यू रोमन में ही रखता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई आप अगर दबाते हैं अपने लैपटॉप से तो आप देख सकते हैं कंट्रोल ई दबाने के बाद यहाँ पे जो भी कंटेंट था उस लाइन में वो सेंटर में चला गया है। तो आप यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल ई था, जो हमने कंट्रोल ई दबाने के बाद ये सेंटर में आ गया है। तो सिंपली आप यहाँ से भी कंट्रोल किस जो माउस है उससे आप ये सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल ई। ओके, उसके बाद चलते हैं कंट्रोल ई अप। कंट्रोल ई अप पे आने के बाद अगर आप कंट्रोल ई अप करते हैं तो ऐसा एक विंडो बॉक्स ओपन हो जाएगा और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें से अगर आपको जो भी आपको फाइंड करना है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं, आप देख सकते हैं जो भी फाइल में जहाँ जहाँ न्यू होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो वर्ड फाइल में जो भी आपको फाइंड आउट करना है कौन सा भी वर्ड, तो आप सिंपली कंट्रोल ई अप क्लिक कीजिए और वो जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो उसका वर्ड उसको वहाँ पे टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। तो वो सब कुछ जो भी आपने सर्चिंग के लिए डाला है वो सब कुछ आपको वर्ड फाइल में जहाँ होगा वहाँ दिखाई देगा। उसके बाद में चले जाते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल जी पे चले जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ के यहाँ पे कोड आया है। तो यहाँ पे आप सिंपली पे, अगर आप पेज नंबर 1 पे हो और आपको पेज नंबर 2 पे जाना है तो यहाँ पे सिंपली पेज 2 पे 2 नंबर डाल दीजिए और गो टू पे क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आप डायरेक्टली पेज नंबर 2 पे चले आ गए हैं। ये पेज नंबर 2 है तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे चले आ गए हैं। तो ये हो गया जी का, गो टू कंट्रोल सी। देन कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का मीनिंग क्या है कि आप किसी भी थिंग्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब हम इसको रिप्लेस करते हैं सबसे। तो आपको सिंपली रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच दबाना है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे रिप्लेस है, एंड उसको हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, रिप्लेस विद सर्च। रिप्लेस ऑल क्लिक करते हैं, वन डन रिप्लेसमेंट। ओके, तो अभी हम देखते हैं रिप्लेसमेंट हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पहले हमने फाइंड रखा था, उसके बाद हमने रिप्लेस किया और यहाँ पे क्या हो गया, सर्च हो गया। तो कंट्रोल एच टाइप करने के बाद आप किसी भी वर्ड को आप फाइल में से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में चलते हैं
कंट्रोल आय, तो कंट्रोल आय में चले जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको इटैलिक फॉन्ट में चाहिए उसको आपको क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है, आइदर वो वर्ड होगा और पैराग्राफ होगा और सिंपली कंट्रोल आय दबाना है। तो आप देख सकते हैं ऐसा फॉर्मेट चेंज हो गया हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इटैलिक फॉन्ट चला गया। तो सिंपली आप माउस से भी यहाँ से कर सकते हैं, सिंपली उसको क्लिक सिलेक्ट करके इसको क्लिक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद चले जाते हैं जस्टिफाई पे कंट्रोल से। तो जस्टिफाई का मीनिंग क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर लाइन्स है लेकिन वो हाफ हाफ कट है। ओके, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल जे दबाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पूरा यहाँ से भी पूरा फिलअप हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी से भी अलाइनमेंट क्लियर आ जाएगी और राइट साइड भी अलाइनमेंट क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया कंट्रोल जे का। उसके बाद में चलते हैं मेक हाइपरलिंक। तो अभी आपको कौन सा भी डॉक्यूमेंंट इन वर्ड में अगर आपको लिंक करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल के पे क्लिक करना है। कंट्रोल के पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसमें से आपको जो भी फाइल है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ गया है। तो उसमें क्या करना है, आपको सिंपली कंट्रोल करके उसको क्लिक करना है। कंट्रोल करके ही आपको उसको क्लिक करना है, उसके बाद ही वो जो अपने हाइपरलिंक में जो भी फाइल डाला है वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, जो भी आपने फाइल अपलोड किया है कंट्रोल के करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से वो फाइल ओपन हुआ है। तो मैं अभी सिंपली इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो आप ऐसा करके क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड फाइल में हाइपरलिंक डाल सकते हैं। अभी इसका कंट्रोल एल अलाइन टू लेफ्ट, अभी इसका मीनिंग क्या है, कंट्रोल एल अलाइन टू लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल दबाता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप पहले दो ही लाइन है वो लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट क्लियर है, उसके बाद में अलाइनमेंट क्लियर नहीं। तो उसको मैं कंट्रोल एल करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसे इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल एल यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ऐसा अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट इसकी हो जाती है। तो ये बेनिफिट हो गया कंट्रोल एल का। उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल एम हैंगिंग इंडेंट, उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। और इसको दबाने के बाद ये क्या हो जाता है, पैराग्राफ मोड पे चला जाता है। तो हम यहाँ से सिंपली हमने जो भी टाइप किया उससे पहले हमें क्या टाइप करना, किस दबाना है, कंट्रोल एम दबाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे पैराग्राफ का पहला कुछ स्पेस लिखा नहीं होता, वैसे यहाँ पे यहाँ से पहला स्पेस कुछ क्लियर हो जाएगा और यहाँ से टाइप जो भी आपने टाइप किया है वो एक पैराग्राफ के टाइप से यहाँ से दिखाई देगा। ओके, ऐसा करके कंट्रोल एम दबा के आप पैराग्राफ मोड पे चले जा सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एन दबाने के बाद देख सकते हैं आप न्यू वर्ड फाइल ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे न्यू वर्ड फाइल ओपन हो गए हैं। तो कंट्रोल एन दबाने के बाद आप देख सकते हैं सिंपली वन फाइल ओपन हुई है। उसके बाद में चलते हैं कंट्रोल पी। तो आप सिंपली कंट्रोल पी दबाने के बाद आप देख सकते हैं आपको अगर ये फाइल जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल पी दबाने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है। तो आप ये फाइल प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करके आप उसको फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल प्रिंट का। देन कंट्रोल क्यू, तो कंट्रोल करते हैं, तो मैं यहाँ से कंट्रोल क्यू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से कंट्रोल क्यू करने के बाद थोड़ा सा क्यू एंड आर के बीच में स्पेस पड़ा है, यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको कंट्रोल क्यू दबाना है और उसमें से स्पेस को बढ़ाना है। तो कंट्रोल आर, कंट्रोल आर अलाइन टू अलाइन टेक्स्ट राइट। ओके, तो जैसे हमने अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट दिया देखा था, तो हमें सिंपली उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल आर दबाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड में चली आ जाएगी। अगर आप वो जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट चाहिए तो लेफ्ट साइड में ले सकते हैं, राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में ले सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं
सेव फाइल। सो सिंपली कंट्रोल एस दबाने के बाद वो फाइल सेव हो जाएगी। ओके, आपने जो भी लिखा है वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। आप जो भी कभी भी जो भी टाइप करते हैं तो उसके बाद में बीच बीच में कंट्रोल एस दबाते हैं, दबाने से क्या होता है जो भी आपने टाइप किया है वो सेव हो जाता है। उसके बाद में कंट्रोल टी वो लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में चलते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू के लिए आपको क्या करना है, सिंपली उसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल यू दबाना है। कंट्रोल यू दबाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से अंडरलाइन आ गई है। सिंपली आप चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कीपैड का और माउस का यूज़ करके भी आप उसको यहाँ से सिंबल उसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यू पे के नीचे भी अंडरलाइन आ गई। तो ऐसा करके आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में वी, कंट्रोल वी। तो जैसा मैंने पहले बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कॉपी करके आपको रखना पड़ता है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल वी दबाने के बाद जो भी आपने कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद में चलते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। ओके, कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं तो वो फाइल जो भी है वो क्लोज हो जाती है। तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, जो भी हमने वर्ड फाइल जो चालू की थी उसको मैं कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपको फाइल सेव करना है तो सेव कीजिए, नहीं तो डोंट सेव करके उसको क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाए। तो मैं यहाँ से डोंट सेव करता हूँ और क्लोज ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। ओके, यहाँ से चलते हैं कंट्रोल एक्स। तो अगर आपको ये कंट्रोल एक्स का मीनिंग क्या है, जो भी आपने लिखा है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट कट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली जो सिलेक्ट करना है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स करने के बाद जो भी लिखा है वो वहाँ से चला जाता है और आप चाहे वहाँ क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसका मीनिंग सिंपल है कि आपको अगर वहाँ से नहीं चाहिए और किसी और चाहिए तो आप सिंपली उसको कट करना है और दूसरी जगह पे रखना है। अगर आपको वहाँ भी चाहिए और दूसरी जगह पे चाहिए तो आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना है। अगर आपको वो एक जगह पे नहीं चाहिए, सिर्फ दूसरी जगह पे चाहिए, तो कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी करना है। ओके, तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ। उसके बाद में चलते हैं रिपीट। तो मैं यहाँ से दिखाई देता हूँ, रिपीट मैंने टाइप किया है। उसके बाद में सिंपली आपको कंट्रोल वाई दबाना है। तो जो भी आपने लास्ट में टाइप किया था, अगर आपको फिर से चाहिए तो आपको सिंपली कंट्रोल वाई दबाना है तो वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में चलते हैं अनड्यू। अनड्यू का मीनिंग क्या है, अभी जैसे हमने बताया था यहाँ पे देख सकते हैं ये रिपीट हमने टाइप किया है। अगर हमें नहीं चाहिए, कौन सा भी टाइप किया और वो वर्ड हमें नहीं चाहिए तो सिंपली हमें कंट्रोल जेड करना है। कंट्रोल जेड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बैक आ जाएगा। तो ऐसा करके हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे कीज़ हैं, उसको ए टू जेड कंट्रोल के साथ ए टू जेड कीज़ है, उसका यूज़ करके हम जो भी अपना वर्ड फाइल है उसमें डॉक्यूमेंटेशन फास्टली कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।